देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात सीने में गोली खाने की दम रखने वाले जवान क्या घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, क्या धूमधाम से शादी नहीं कर सकते? उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वह एससी वर्ग से आते हैं। इस देश की जनता बॉर्डर पर तैनात आर्मी फोर्स को अपनी पलकों पर बैठा कर रखती है, फिर इस बीएसएफ जवान के साथ क्यों कुछ लोगों ने घोड़ी पर बैठने को लेकर पथराव कर दिया? वाह, धन्य है समाज और धन्य है आपका न्याय। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साई खेड़ा लेधोरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। जवान था अर्जुन बेगवाल, उसकी शादी की बारात निकलनी थी और साथ ही साथ वहाँ पे अन्य समाज के लोगों की बारात निकलनी थी। इसी संदर्भ में जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो इस बिंदौली को निकाले जाने का विरोध किया जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी लगाई गई थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। इसी दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने करीब 40-50 लोगों ने जो जवान है बीएसएफ का, उसकी जो बारात जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया था। उसमें जो पुलिस पार्टी लगी हुई थी वहाँ पर पथराव किया गया। मौके पे पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में किया और जो आपराधिक तत्व वहाँ पे अव्यवस्था फैला रहे थे उनको हिरासत में लिया। इसमें दो प्रकरण रजिस्टर किए गए हैं, एक तो जो जिस व्यक्ति की बारात निकल रही थी उनकी तरफ से रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि बलवा और SC ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और दूसरा प्रकरण पुलिस पार्टी पर पथराव करने की और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की धाराओं में आपराधिक तत्वों के ऊपर FIR रजिस्टर की गई। इसमें करीब 29 लोग नामजद हैं और बाकी अन्य हैं। इसमें से 29 ही लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की। यह खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोड़ थाना से जुड़ी है, जहां गांव पिपलिया राजा में अर्जुन पिता विनोद मेघवाल की बारात निकाली जा रही थी, जो BSF का जवान है, जो सेना में भर्ती है और देश के लिए लड़ रहा है और देश की बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात सेवा कर रहा है। उसकी घोड़े पर बैठकर राज फिर रही थी। इसी दौरान गांव के ही दबंग OBC वर्ग का भगवान लाल मीणा के लड़का जीवन की भी बनोली निकाली जा रही थी, तभी मीणा समाज के लोगों ने रास्ता रोक दिया। दलितों का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने रास्ते में पत्थर और कांटे लगा दिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि मीणा समाज के लोग रास्ता रोककर पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ पत्थरबाजों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को दूल्हे के पिता विनोद की शिकायत पर पुलिस ने 29 लोगों पर SC ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में बनोली यानी राज निकाली गई। क्या देश की सीमा पर तैनात जवान को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं? आप उसकी जाति पूछते हो, लेकिन जब वो सीने में गोली खाता है बॉर्डर पर खड़े होकर, तब उसकी जाति नहीं पूछते? वाह रे समाज, वाह रे आपका सिस्टम। सागर एक्सप्रेस न्यूज की फ्यूर रिपोर्ट। होटल सागर इन की नई सौगात, रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन, वो भी एक ही छत के नीचे, अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर।